प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व योग दिवस पर झारखंड की राजधानी रांची में योग कर रांची के नाम विश्व के पटल पर रख दिया है। लगभग 40 मिनट तक मोदी ने 40,000 से अधिक लोगों के साथ योग किया। मोदी ने योग से पहले रांची और झारखंड के महत्व पर भी विचार रखे। रांची के प्रभात तारा मैदान एक बार फिर एक नया इतिहास लिख गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मैदान में सिर्फ योग की नहीं बल्कि कई तरह के संदेश भी दे दिए। सबसे बड़ी बात रही कि मोदी मैदान के बीच पहुंचकर आम लोगों के बीच योग किया। उन्होंने योग टीचर के हर निर्देश का पालन भी किया और बताई गई पद्धति का पूरा अनुसरण भी। इससे पहले अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने रांची को खूब सराहा। झारखंड रांची कर माटी के सब भाई बहन मन के मोर बहुत बहुत जोहार। सभी देशवासियों को सुप्रभात। और आज ये प्रभात तारा मैदान विश्व के नक्शे पर जरूर चमक रहा है। ये गौरव आज झारखंड को मिला। साथियों, झारखंड में योग दिवस के लिए आना अपने आप में बहुत सुखद अनुभव है। आप लोग बहुत सुबह ही अपने घरों से निकलकर दूर दूर से यहां आए हैं। मैं आप सभी का आभारी हूं। बहुत से लोगों के मन में आज ये सवाल है कि मैं 5वां योग दिवस मनाने के लिए आज आपके साथ योग करने के लिए रांची ही क्यों आया। भाई और बहनों, रांची से मेरा लगाव तो है ही, लेकिन आज मेरे लिए रांची आने की 3 और बड़ी वजह है। पहला, जैसा कि झारखंड के नाम में ही ये वन प्रदेश है, प्रकृति के बहुत करीब है और योग और प्रकृति का तालमेल इंसान को एक अलग ही एहसास कराता है। दूसरी बड़ी वजह यहां आने की ये थी कि रांची और स्वास्थ्य का रिश्ता अब इतिहास में दर्ज है। पिछले साल 23 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती निमित्त यहां रांची से ही हमने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की। आज दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बहुत कम समय में गरीबों के लिए बहुत बड़ा संबल बनी है। भारतीयों को आयुष्मान बनाने में योग का जो महत्व है उसे भी हम भली भांति जानते हैं, समझते हैं। अब योग के अभियान को मुझे और हम सबको मिलकर के एक अलग स्तर पर ले जाना है और यही रांची आने की मेरी तीसरी और सबसे बड़ी वजह होगी। इसके पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी तमाम आए लोगों का स्वागत किया और कहा कि योग का कितना महत्व है। रघुवर दास ने भी अपने विचार रखे। बनने के बाद पहला आगमन और ये आगमन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, इस अवसर पर झारखंड के सवा 3 करोड़ जनता तहे दिल से उनका स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन। झारखंड का योग से पुराना इतिहास रहा है। यह विद्या झारखंड की संस्कृति का मूल्य एवं अभिन्न अंग है। यहाँ का जनजाति समाज संथाली मुंडा पुराव को अपने दैनिक जीवन से लेकर नित्य तक योग को किसी न किसी रूप में अपनाए हुए। यहाँ के पर्व त्योहारों सरहुल कर्मा में भी योग की झलक हमें देखने को मिलती है। झारखंड में योगदा सत्संग स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र रामकिशन मिशन संस्थान में नियमित रूप से
योग सिखाए जाते हैं। योग के क्षेत्र में देवघर की पावन धरती पर स्थापित दीक्षा पीठ की ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक फैली है। झारखंड में वर्तमान में 340 योग केंद्र चल रहे हैं, जहां नियमित रूप से लोगों को योग की शिक्षा प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ सीएम रघुवर दास, राज्यपाल डॉक्टर द्रौपदी मुर्मू, स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी सहित बड़ी संख्या में योग के लिए लोग मौजूद थे। आप भी देखिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ तमाम लोगों ने किस तरीके से योग किया। मैं स्वयं के प्रति कुटुंब के करते हुए सिर को वापस लिया है। शरीर को बाई तरफ घुमाए, ऊपर ले जाए, वज्रासन कहते हैं, आंखें बंद करें, हम वज्रासन कहते हैं। ब्यूरो न्यूज़ सबरंग समाचार।